आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से अपना छठा बजट पेश किया जा रहा है, बजट सत्र चल रहा है। कल बजट पेश किया गया और आज उस बजट पर चर्चा हो रही थी। चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल के बारे में काफी कुछ बताते हुए नजर आए। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने पिछले 5 साल काम किया है और ये जो नया बजट हमारी तरफ से पेश किया गया है ये उन कामों को और बेहतर तरीके से जमीन पर उतारेगा। इसके अलावा करीब 40,000 करोड़ की जो नई योजनाएं उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही हैं उन योजनाओं को और कैसे गति दी जाएगी इसका खाका भी लगभग तैयार किया गया है। रोजगार की दृष्टि हो गई, कानून व्यवस्था की दृष्टि हो गई, महिला कल्याण की दृष्टि हो गई, छात्रों को कैसे या छात्राओं को कैसे आगे बढ़ाना है। मैंने दोनों का नाम इसलिए अलग अलग लिया क्योंकि सरकार ने छात्राओं के लिए भी कुछ अच्छी स्कीम्स को शुरू किया है और इसके अलावा छात्रों के लिए कैसे मेडिकल कॉलेजेस में और बेहतर स्थिति करी जा सकती है उसके लिए भी सरकार की तरफ से कल बजट में काफी कुछ पेश किया गया था। तो इन सारी चीजों को कैसे व्यवस्थित करना है, रोजगार को कैसे बढ़ाना है उत्तर प्रदेश में, निवेश को कैसे बढ़ाना है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ODOP के जरिए सरकार पहले भी बेहतर काम कर चुकी है और उसको भी और बेहतर तरीके से करने के लिए आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पार्ट 2 होने वाली है जिसमें 75,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश आने की संभावना सरकार की तरफ से बताई जा रही है। ऐसी कई सारी बातें जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार लगातार हमारे नेता, हमारी मंत्री, हमारे विभाग, हमारे अधिकारी लगातार इस प्रयास में है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए। लेकिन इसमें अगर कोई बाधा बन रहा है तो वो बाधा बनने का काम उत्तर प्रदेश का विपक्ष कर रहा है क्योंकि पहले भी 5 साल इस विपक्ष ने कई सारी खामियों को ढूंढने की कोशिश की, वो भी उन कामों में जो जनता के हित में थे। और अब जब छठे साल में हमने प्रवेश किया है, हमने पहला बजट दिया है, तो उस बजट को लेकर के भी अखिलेश यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव बोलते बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन उनको एक बार ये सोच लेना जरूरी है कि वो अपनी कमियों के बारे में भी बता दें। वो ये जरूर बता दें कि जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो वो कौन कौन से घोटाले थे, वो कौन कौन सी भर्तियां थी जिन पर प्रश्न चिन्ह अभी भी बना हुआ है और उसका जवाब देते देते अखिलेश यादव अब कन्नी काटने शुरू कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक सेवा आयोग भर्ती का नाम लिया, उन्होंने सहकारिता भर्ती का नाम लिया, जल निगम की भर्ती का नाम लिया, इसके अलावा गोमती रिवर फ्रंट मामले का नाम लिया, घोटाले का नाम लिया, खनन घोटाले का नाम लिया, यह भी कहा कि खनन घोटाले से जुड़े हुए जो मंत्री थे वो अभी भी जेल में है। तो इस तरह की चीजों पर अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते हैं, उनको सदन में जवाब देना क्यों नहीं पसंद है, वो क्यों हमारी कमियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कमियां हैं ही नहीं। तो लगातार उत्तर प्रदेश के बजट सत्र में जो सवाल जवाब की स्थिति है वो काफी मजबूत होती जा रही है। लगातार दोनों ही पक्षों के जो मेन लीडर हैं उनके बीच सवाल जवाब की जो स्थिति है वो और बेहतर होती जा रही है। और अभी 2 से 3 दिन पहले भी हमने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सदन के अंदर क्या हुआ था, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल तक हो गया। और उसके बाद कल जब बजट पेश हुआ तो बजट पेश होने के बाद आज जब उस पर चर्चा हो रही थी तब भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस चर्चा के शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए और एक लिस्ट बना करके वो आए हुए थे जिसमें उत्तर प्रदेश में 5 साल में जो भर्तियां रद्द हुई हैं उन रद्द भर्तियों के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि सरकार इस मुद्दे पर क्यों कुछ नहीं बोलती है और उसी का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो सेकेंड टर्म वाली बीजेपी की सरकार के पहले साल के पहले बजट में ही शुरू हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है उत्तर प्रदेश में कि इस बार विपक्ष सरकार को काम करने के लिए समस्याओं के बीच खड़ा कर देगा, क्या उनके हर कदम के आगे
विपक्ष ढाल बनकर खड़ा है या फिर विपक्ष ये चाह रहा है कि सरकार अपनी खामियों को ना छिपाए, सरकार अपनी खामियों को उजागर करे और जनता के लिए काम करे। इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी बनता है कि अखिलेश यादव क्या विपक्ष में सिर्फ अकेले हैं जिनसे सिर्फ जवाब पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है, विपक्ष का और कोई नेता क्यों नहीं सामने आ रहा? बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू लेते उस समय के एक मंत्री आज भी बेचारे जेल में है। यानी ये स्थितियां थी, खाद्यान्न घोटाला है, घोटालों की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई थी, ये सभी क्या थी? लेकिन मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा कर देता है। और बड़ी चालाकी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष निकलते हुए चल रहे थे कि ये भी हमने किया, वो भी हमने किया, वो भी हमने किया। हमने कहा इसीलिए तो जनता सम्मान नहीं दी, क्योंकि जनता जानती थी कि आपने नहीं किया है, करने वाले तो इस पक्ष के लोग हैं, इसलिए समर्थन इन्हीं लोगों को मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने आरक्षण व्यवस्था को बदल दिया, जिसके कारण जो पिछड़े वर्ग के और दलित नौजवान जनरल में नौकरी पा गए थे, इनकी व्यवस्था बदलने से उन नौजवानों की नौकरी छीन ली गई। अगर ये दावा करते हैं कि 1,00,000 इतने नौजवानों को दिया गया, तो याद रखिए पिछड़े दलित भाइयों, जो आरक्षण आपको मिलता था उस आरक्षण की वजह से हजारों हजार और लाखों लाख नौजवानों को नौकरी से बाहर कर दिया। तो ये वो बयान थे जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के ऊपर प्रहार करते हुए नजर आए कि क्यों अखिलेश यादव अपनी खामियों को नहीं बता रहे। वो ये क्यों हर बार बताते हैं कि उन्होंने एक्सप्रेसवे बनवा दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अगर उन्होंने ये सब किया होता तो उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को हमारी जगह पर रखती, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये बात जानती है कि वो सारे काम हमने किए हैं और इसी वजह से हमें इस तरफ बैठाया गया है और विपक्ष को उस तरफ। एक चीज़ और उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव जो मीठा मीठा होता है उसे गपगप खा लेते हैं और जो कड़वा होता है उसे थूक देते हैं। आपने भी सुना उस बयान को। और उसके बाद अखिलेश यादव का जो काउंटर आया, जो बयान आया, उसमें साफ तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो रोजगार की स्थिति है उसके बारे में बताने की कोशिश की कि कई सारी जो परीक्षाएं उनका पेपर लीक हो गया उस पर सरकार नहीं बोल रही है। सरकार ये नहीं बोल रही है कि क्यों भर्तियां अभी भी लंबित हैं, क्यों भर्तियों को पूरा नहीं किया जा रहा है, रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। सुबेरे आज जब अखिलेश यादव सदन में पहुंचे थे तो वहां पर उनके हाथ में एक कागज भी था और उस कागज में साफ तौर पर ये लिखा हुआ था कि कौन सी भर्तियां कितनी लंबित पड़ी हैं, कहां पर कितना घोटाला हुआ। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू कराता हूं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा रजिया हसन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, संतोष यादव जी हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं, दयाराम भार्गव साहब हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं और प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। रजिया हसन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, आँख खुली क्या आज आप लोगों की? योगी जी ने बताया कि आप लोग तो लगातार बोलते आए हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, आपके नेता बोलते आए हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने किया होता तो शायद बीजेपी की जगह सदन में आप लोगों को मिलती, ऐसा योगी जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। आपके नेता प्रतिपक्ष और आपका या आपकी पार्टी का क्या कहना है इस पर? और दूसरी चीज, उन्होंने कई सारे घोटाले, कई सारी भर्तियों का जिक्र किया जो आपके समय की थी, उन्होंने ये कहा कि आप लोग उस पर कुछ नहीं बोलते, क्या कारण है? नितिन जी, पहले तो सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज जो सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो जिस तरह के भी कहा उन्होंने, वो सभी को, सभी जनता उसको देखा है, सुना है और सभी पैनलिस्ट भी सुन रहे हैं उसको। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष के रूप में स्वीकार किया है तो इस चैनल के माध्यम से मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद जनता को देता हूँ कि मुझे इन झूठे जैसे लोगों को, इन फरेबियों को, इनके खिलाफ हमें विपक्ष के रूप में तैयार किया और इनके बीच में भेजा, इनसे लड़ने के लिए भेजा है और जनता की आवाज उठाने के लिए। इसको कैसे कहा जाए, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जंगल राज, बेरोजगारी, अत्याचारी, भूखमरी और
किसान विरोधी सरकार जिस तरह से अपना जंगल राज चला रही उससे जनता भली भांति जान रही, और जनता ने अगर अखिलेश यादव जी को विपक्ष का नेता चुनकर भेजा है तो इसीलिए भेजा है कि कम से कम इन लोगों को रोकने का काम अगर कोई कर सकता है उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोकने का काम कर सकता है तो गठबंधन और समाजवादी पार्टी के। गठबंधन कहाँ है? मुझे ऐसा लग रहा है या बहुतों को ऐसा लग रहा है कि सदन में अकेले अखिलेश यादव हैं, वही जवाब देते हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले दायित्व उनका बनता है बोलने का और जवाब देने का, और हमारा गठबंधन पूरी मुस्तैदी से इनके सारे कारनामों को, इनके सारे कामों को जो इन्होंने कारनामों को काम में तब्दील कर दिया है उसका लेखा जोखा पूरा गठबंधन और समाजवादी पार्टी तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग इसको सदन में भी उठाएंगे और जनता के बीच में भी उठाने का काम करेंगे। आप तो जान रहे होंगे 2017 का घोषणा पत्र इनका और 2022 का घोषणा पत्र। 2017 के घोषणा पत्र में जिस तरह से झूठे वादे किए गए, चाहे किसानों की आय दुगनी करने का हो, चाहे गन्ना किसानों को 25% उसका भुगतान माफ करने का हो, और चाहे किसानों की बिजली फ्री करने की व्यवस्था सिंचाई के लिए, इन्होंने उस घोषणा पत्र को 2022 के घोषणा पत्र में फिर सम्मिलित कर दिया। तो पिछले कितने किसानों को इन्होंने राहत दी वो डिटेल बताएं, और उसके बाद क्या अब कितने किसान बचे उत्तर प्रदेश में जो अब इसका लाभ पा सकते हैं उसको ये बताएं। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे वादे 2017 में जो कि किए, हमारे पास तो इसका लेखा जोखा पूरा लेकर आया हूं। आज मैंने सोचा है कि आज उत्तर प्रदेश में और पूरी जनता के बीच में और चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार का पूरा काला चिट्ठा आज हमारे पास है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास भी है और गठबंधन के भी पास है, और हम लोग पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में और जनता की बात रखेंगे। अब आपको एक राजीव भाई अगली बार बोल दीजिएगा, मैं बाकियों के पास चलूं। मैं थोड़ी सी बात बता दूं, कितनी देर लगेगी? मैं बस अपने 2 सेकंड में अपनी बात, 4 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आपने लिखा कि देखिए, पहले तो हम इनके घोषणा पत्र में मैं दिखा देता हूं, इन्होंने 2022 का घोषणा जल्दी से पत्र, जल्दी से 2017 में 24 पन्नों का संकल्प जारी किया गया, विषय 10 विषय बांटे गए जिसमें 200 से ज्यादा संकल्प लिए गए, युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा पर काम होगा, गरीबों को मुक्त सरकार की बुनियादी मजबूत आधार, विकास, उद्योग, व्यापार और नारी सुरक्षा, समझ गया जैसे बहुत सारे वादे किए। आप बताइए जवाब लूंगा, जवाब लेता हूँ, जवाब वही 22 में करते हैं, ठीक तो है, सारे हो गया, ठीक है रजी भाई, ठीक है। हमारे साथ संतोष यादव जी हैं। संतोष जी, किसानों के लिए भी सरकार की तरफ से कल बजट पेश किया गया है लघु सिंचाई को लेकर के, और ये कहा गया है कि जो इसकी विकास दर है उसे 5.1% तक ले जाएंगे। आपकी पार्टी किसानों के बीच रहती है और पश्चिम के किसानों का जिक्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा है कि सबको पता है कि 2004 से लेकर 2016 तक सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी थी, और जो लोग किसानों को गुमराह करते थे उन्हें सत्ता में नहीं लाया है किसानों ने ही। 2017 के बाद हमने बड़े पैमाने पर किसानों का जो कर्ज था वो माफ किया है। आप इस बात से कितना तारुफ रखते हैं, कितना सही आपको लगती है ये बात? नितिन जी, जी हमारे भाई विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं जी, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है जी, लेकिन करने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। वो कुछ करते नहीं, सिर्फ कहते हैं। आप जब भी चाहे पिछली सरकार की योजना देख लीजिए, चाहे इस सरकार की जो नई सरकार आई बजट लेके आए हैं, उसमें करने के लिए इनके पास कुछ नहीं। किसानों के लिए इन्होंने क्या किया? किसान छोटा जानवर से तब भी परेशान था, आज भी परेशान है, उसके लिए कोई व्यवस्था इन लोगों ने नहीं की है। ठीक है, किसान डीजल से सिंचाई करता है, डीजल से जुताई करता है, किसान का डीजल महंगा है, उसके लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। हमारे गांव ग्रामीण के जो किसानों के बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ एक पद होता है शिक्षा मित्र, शिक्षा मित्र के नियमितीकरण की कोई व्यवस्था इन्होंने की नहीं की है, ना ही उनकी तनख्वाह बढ़ाने की कोई व्यवस्था की है। वो 10-12 हजार रुपए से अपनी जिंदगी चलाता है, आप अंदाजा लगाइए कि वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा, कि वो अपना दूसरा कोई काम करके कहीं पे अपना पेट भरने का काम करे।
तो मेरा ये कहना है कि जो कुछ इन्होंने ग्राम ग्रामीणों के लिए कहने के लिए कहा था वहां पे कुछ नहीं किया। शिक्षा मित्र एक ऐसा पद है जो आज की डेट में ग्रामीण की रीढ़ की हड्डी है शिक्षा, लेकिन उसकी तरफ सरकार ने ना ध्यान दिया है और ना उनके विषय में कोई काम किया है। सरकार ने कहा था कि सिंचाई लोगों से बिजली हम देंगे, लेकिन बिजली की कोई व्यवस्था मुफ्त इन्होंने किया नहीं है। जो ग्रामीणों में तमाम जो है कनेक्शन दिए थे सरकार ने, उनको इन्होंने बिजली मुफ्त दिया नहीं। गैस सिलेंडर आप इतना अंदाजा लगाइए कि गांव का कोई आदमी आज की डेट में गैस सिलेंडर भरवाने की हैसियत नहीं रखता, इतनी महंगाई है कि वो अपना गैस सिलेंडर नहीं भरवा सकता है, क्या करेंगे। लेकिन यादव जी, सरकार कह रही है कि हम जो काम करते हैं उसका बखान नहीं करते। विपक्ष तो घूम घूम बताता है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। सरकार सिर्फ एक ही काम करती है, वो बखान करती है। अच्छा। और कोई काम नहीं करती है। कहाँ चले गए इनके 100 स्मार्ट सिटी, कहाँ चली गई इनकी जो है बुलेट ट्रेन, ये तो बखान बहुत पहले से हो रहा है, आज थोड़े हो रहा है। ये जो इन्होंने कहा था इंटर पास स्कूटी, हम जो लड़कियां इंटर पास करेंगी उनको हम स्कूटी फ्री में देंगे, उसकी कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं की। किसानों की आय दोगुनी करने की इन्होंने बात की है। इस बार किसानों का गेहूं आधा पैदा हुआ है, आपको पता हो जो एक अगर एक बीघे में 10 क्विंटल गेहूं पैदा हो रहा था तो इस बार 5 क्विंटल पैदा होगा। उसकी भरपाई के लिए कोई योजना इन्होंने नहीं बनाई कि किसान क्या करेगा, कहाँ आत्महत्या करेगा किसान भाई। इनके कुत्ता जानवर पहले तो फसल खा जाते, उसके बाद अगली बार मौसम की मार पड़ी तो गेहूं आधा हो गया। बेरोजगार हजारों बार ये मुद्दा उठाया जा चुका है कि जो गांव का ग्रामीण का मनरेगा मजदूर है उसको 100 दिन केवल का मिलता है। अगर उसको किसानी से जोड़ दिया जाए, किसान को मनरेगा मजदूर अगर दे दिया जाए तो किसान का भी कल्याण होगा और मनरेगा मजदूर का भी कल्याण होगा, क्योंकि जब कभी फसल काटने का मौका आता है तो उस समय मनरेगा मजदूर उसको नहीं मिलता है काम करने के लिए। ठीक है। ये योजनाएं इस तरीके की की गई है कि गांव ग्रामीण का आदमी हमेशा परेशान ही रहेगा, उसको कुछ मिलने वाला नहीं। ठीक है यादव जी, मैं आता हूँ आपके पास। दयाराम भार्गव हमारे साथ SBSC से। दयाराम जी, विपक्ष के ऊपर काफी सवाल आज खड़े हुए हैं सदन में, क्या कहना है भाई, क्यों आप लोग इतना शांत बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे? अखिलेश यादव जी अकेले बोल रहे हैं। विवेक जी अभी कह रहे थे दयाराम जी की विपक्ष एकदम शांत बैठा रहता है। देखो मैं कह रहा हूँ, इतना तो मजनू भी नहीं पीटा होगा लैला के प्यार में। ध्यान दीजिएगा, इतना तो मजनू भी नहीं पीटा होगा लैला के प्यार में जितना युवा पीट रहा है आज योगी जी के सरकार में। क्या बात करते हैं ये लोग, ये लोग महंगाई की मुद्दा की बात करते हैं, यहाँ आके लपड़ लपड़ बात करना और झपड़ झपड़ जाके बतिया के चले जाना जनता के बीच में कभी जाते हैं लोग? सरकार बन जाए ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि सरकार बन जाए, लेकिन सरकार बनाने के बाद जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है, रोटी रोजगार शिक्षा दवाई की व्यवस्था करना इस सरकार की जिम्मेवारी है। ये सरकार इससे क्यों भाग रही है? आप सदन में बैठ करके डायरेक्ट जो है केवल आप जो है विपक्ष के लोगों को टारगेट करोगे, इसको सत्ता चलाना कहते हैं क्या? आप पीछे 5 साल भी तो सरकार में बैठे थे, पीछे 5 साल कार में बैठे थे, तब भी हमारे मुद्दाए थे। इस मुद्दाओं को हम जो है आपको बताते रहे, लेकिन आप उस मुद्दा तो हमेशा हमको भटकाते रहे। तो इन मुद्दाओं को लेकर के आप देखिए, जब हम बार बार इनसे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करते थे, जब हम इनको बार बार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करते थे, ये बार बार हमको इधर से उधर गोलमोल की बात करते थे। हमने कहा था पिछड़ी जाति की आरक्षण और SC ST की 22.5%, पिछड़ी जाति की OBC की 27%, इसमें मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया। ये लोग जो इनको जो इन लोगों को रोजगार मिलता था, नौकरी मिलता था, वो योगी जी ने खत्म किया, उसके ऊपर चर्चा कौन करेगा? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाला, 6,260 शिक्षक भर्ती घोटाला। इन घोटालों के बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे, इसमें बताया ना कि हमने किसको रोजगार दिया है। हमने अगर रोजगार दिया तो रोजगार कहाँ है उत्तर प्रदेश में? अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार है तो युवा बेरोजगार क्यों है? एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में 48,000 लोगों की नौकरी बेरोजगार घर में बैठे हैं। बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की पता है क्या आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 48,000 में तो कम से कम उसमें 2.5 से 3 करोड़ तो बेरोजगार हुए हैं, ऐसे ही हुए हैं।
जिनका आंकड़ा डाटा सरकार देती नहीं है। नहीं, 2.9% बेरोजगारी दर है उत्तर प्रदेश में दयाराम भाई। अरे आप बताइए, देखिए यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने क्या क्या नारा दिया था, क्या क्या बातें किए थे। आप योगी सरकार का उठा के देख लीजिए, योगी सरकार ने जिन बातों को रखा कहाँ हुआ। इन्होंने कहा था जीरो टॉलरेंस, आप बताइए उत्तर प्रदेश में क्या जीरो टॉलरेंस है। आए दिन लूट हत्या बलात्कार की जघन्य अपराधे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में व्याप्त है, इसकी बात ये नहीं करते। आए दिन ऐसा कोई एक दिन बता दो, अरे जब इस प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आप बताइए कैसे आप बात करें कानून व्यवस्था है। ये कहते हैं हमने स्वास्थ्य अच्छा दिया, आज इनके उत्तर प्रदेश के जो है स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हॉस्पिटल में जा करके वो किस तरह व्यवस्था बता रहे हैं। इसका मतलब पिछली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार ने उनके नाकामियों को दबाने का काम किया। आज ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी है, उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय की जब बात की, नहीं भाई इस तरह की ऊर्जा जहां संगतियां ये कमियां ऐसे में ऐसे घोटाला ये हुआ। इसका मतलब जो श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री थे पिछली सरकार में, इसका मतलब ऊर्जा मंत्रालय में घोटाला हुआ। तो ये तो अपनी जो जो योगी सरकार ने कहा कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये तो इन पे व्याप्त होता है ना। विपक्ष तो इनको आईना दिखाने का काम कर रहा। आप किसानों की बात कर लीजिए, जब आप डीजल महंगा देंगे तो उनका आय कैसे दुगना हो जाएगा। तो वो तो ये कह रहे हैं कि 2004 से 2016 तक सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी थी। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए आत्महत्या मैं बता रहा हूँ, उनको भी समझा रहा हूँ। अरे इनकी सरकार में, मोदी और योगी की सरकार में, एक साल में जो धरने पे किसान रहा, 750 किसानों की शहादत हुई, उस पर ये लोग बात नहीं करते, ये लोग क्या बात करेंगे। दूसरी बात मैं बताता हूँ, खाद बीज से लेकर के हर महंगाई पे, खाद बताद हर प्रोडक्ट पे जो है महंगाई बढ़ी है, लोगों का रोजगार घटा है, लोगों की तनख्वाह जो इन 20-25 हजार थी आज वो 10-12 हजार महीने पे करने पे तैयार है। जब क्या नाम है, तनख्वाह कम हुआ है और महंगाई डबल हुई है, तो आप बताइए कैसे जनता सुख की हमारे प्रदेश और देश में है। या तो महंगाई अगर डबल हुई है तो तनख्वाह भी डबल होना चाहिए, तब तो हम समझ लेते कि चलो दोनों इक्वल बराबर है और देश के प्रदेश की जनता ठीक है। जब उसकी तनख्वाह कम है तो बराबर कैसे हो जाएगा, क्या नाम, इसको हमको समझाए नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस से। प्रदीप भाई, बजट कल आया है, क्या प्रतिक्रिया है बजट पर? सबसे पहले तो ये बताइए, बहुत अच्छा बजट बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है पूरे देश में किसी भी राज्य में इतना बड़ा बजट कभी नहीं आया जितना बड़ा बजट उत्तर प्रदेश में आया है, और सबको साथ में लेकर के चलने की बात इस बजट के जरिए कही जा रही है। बजट में चर्चा भी आज हो रही थी सदन में, और मुख्यमंत्री जी काफ़ी विपक्ष से नाराज थे कि विपक्ष जो काम नहीं किया है वो भी गिनाया रहता है और अपनी कमियों के बारे में नहीं बताता है, क्या कहेंगे? देखिए, जब आप चुनकर आते हैं तो काम करने का जो दायित्व होता है वो चुनी हुई सरकार के ऊपर होता है, ना कि जो विपक्ष में बैठा है उसके ऊपर ये दायित्व है कि वो काम कर करके दिखाए। उसका काम है कि जो आपकी नाकामी है उसको उजागर करना, विपक्ष का काम है आपने जो झूठे वादे किए हैं, जो जुमले किए हैं प्रदेश की जनता से, उनको उजागर करना और बताना कि आप ये वादे पूरे करिए, क्योंकि आपने ये वादा किया था और ये वादा आप पूरा नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जो इस बार का बजट है वो सिर्फ एक, जैसे इनके जुमले होते हैं उसी तरीके से कागजी माहौल है। आप देखेंगे तो सिर्फ कागजों पे ही काम होता रहता है, धरातल पे उसका कोई असर दिखाई नहीं देता है। पिछले बार के बजट के से देखेंगे, अगर आप पिछले बार के बजट से देखेंगे जी, तो वो बजट भी जो आया, क्या उसमें जो बजट में इन्होंने दिखाया था वो सब कुछ पूरा कर दिया? ना वो कुछ पूरा हुआ है, ना इस बजट में जो वादे बजट जारी कर दिया गया है उसमें भी कुछ पूरा होने वाला है। ये कुछ भी सिर्फ पूरा नहीं, सिर्फ पेपर वर्क कर लिया गया बस, बड़ा बड़ा दिखाई देने के लिए, बड़े बड़े पेपर में 4-5 पन्ने भर देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी बजट के मामले में ये इतना बड़ा बजट लेकर के आ गई है, पूरे उत्तर प्रदेश का इससे कल्याण हो जाएगा। जबकि हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये बजट नहीं साबित होगा। आज बेरोजगारी से युवा परेशान है। अभी आप कह रहे थे कि जो बेरोजगारी दर है वो 2.4 है। अरे 2.4 2017 में थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद ये बढ़ करके 4.8 हुई, जो सीएमई का
सीएमई का जो आंकड़ा है, जो मासिक रिपोर्ट आती है उसके सर्वे के अनुसार। हाँ, वर्तमान में अभी जो है वो भी 2.4 से, जो अभी रिपोर्ट आई है मार्च 2022 की बाद की जो रिपोर्ट है उसमें भी बताया गया कि वो 2.4 से बढ़कर के अभी भी 2.9 पे है। 4.4 से कम जरूर है, मगर 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाली उसके बाद से अभी भी बेरोजगारी दर बढ़ी हुई है, कम नहीं है बेरोजगारी दर। बात करें अगर आज की डेट में सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति किस चीज से है, महंगाई से परेशान है। आप क्या है? ठीक है, प्रदीप भाई की आवाज कुछ डिस्टर्ब कर रही है, प्लीज सही किया जाए। प्रदीप भाई मैं आता। हाँ जी प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ प्रदीप जी। हेलो। चलिए ठीक है, अभी हम प्रदीप जी के पास चलेंगे। विवेक जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। विवेक जी, सबकी बात सुन ली आपने, आज सदन की कार्रवाई पर भी और बेरोजगारी से लेकर के महंगाई और आप लोगों के संकल्प पत्र सब इन लोगों ने गिना दिया है। अब जवाब देने की बारी है आपकी, जवाब दीजिए भाई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सरकार का अपना पहला बजट पेश किया है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने अपने स्वयं प्रेस वार्ता में बताया कि जो हमारे संकल्प थे 130 संकल्पों में हमने 97 संकल्पों पर इस पे काम किया, और जिस तरह से समाज के हर वर्ग के हित साधने की कोशिश इस बजट में की गई है वो विपक्ष को रास नहीं आ रहा। विपक्ष जब सत्ता में था तो विपक्ष ने परिवारवाद किया, भाई भतीजावाद किया, वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने का कार्य किया। आज विपक्ष को ये देखा नहीं जा रहा है कि किस तरह से समाज के सब वर्गों को लाभ भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहुंच रहा है। किस तरह से गरीब को राशन मिला उसका भी दर्द इनको है। अगर आशा बहुओं का प्रतिमान पढ़ाया जा रहा तो उसका भी दर्द है। विधवाओं की अगर पेंशन बढ़ रही तो उसमें भी विपक्षों को दर्द है। किसानों को अगर सोलर पैनल मिल रहा है उसका भी दर्द है। मुफ्त सिंचाई मिल रही तो उसका भी दर्द है। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान हुआ तो उसका भी दर्द है। जो बार बार उज्ज्वला योजना में रोते थे साहब वो लोग सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं, अगर उनको दो सिलेंडर भी दिया जा रहा तो उस गरीब को दो सिलेंडर देने का भी दर्द विपक्ष के दिल में साफ दिख रहा है। विपक्ष इसलिए इस बजट को लेकर के अनर्गल पड़ा। अच्छा, इनका ज्यादा दिमाग आपके संकल्प पत्र पे है कि संकल्प आप नहीं पूरा कर रहे हैं? संकल्प पे 130 संकल्पों में 97 संकल्पों पे इस पे काम हुआ है। 5 साल का हमारा कार्यकाल है। संकल्प पत्र सुन लीजिए, 97 संकल्पों को इसमें समाहित किया गया है। कोई भी सरकार पहले दिन सारे संकल्पों पे काम नहीं कर सकती। जो संकल्प होते हैं, जो घोषणा पत्र होते हैं, वो अगले 5 साल के लिए होते हैं। अगर प्रथम बजट में ही हम 97 संकल्पों पे काम कर रहे हैं तो ये सकारात्मक संदेश है और ये हमारे लिए एक तरह से कह लीजिए कि हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं अपने संकल्पों के प्रति और हम उस पे बढ़ रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं। संतोष यादव जी आपको कोट करके कह रहे थे कि आप लोग संकल्पों पे काम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने किसानों के लिए काम नहीं किया। रजीजन प्लीज प्लीज मैं आऊंगा। गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान हुआ है संतोष यादव जी की पार्टी जिस प्रदेश जिस क्षेत्र से आई है वहाँ पे गन्ना बेल्ट भारतीय जनता पार्टी गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ, इनको जवाब किसान खुद ब खुद दे देंगे। 14 दिन अपनी बारी पे अपनी बारी अपनी बारी बोलिएगा। बजट पेश हुआ, बजट पास होने दीजिए, उसके प्रावधानों को अमल में आने दीजिए। अरे प्रावधानों को, आपका घोषणा पत्र 2017 का है, उसको अभी पूरा नहीं किया। 2022 के संकल्प पत्र में जो हमने 2022 के 53वें संकल्प पत्र में 53वें क्रम संख्या पे आपने पूरे मंडल में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। आप अपने दिल पे हाथ रखिए, आप यूनिवर्सिटी बना रहे थे महाराजगंज, अलीगढ़, आजमगढ़, सहारनपुर, अयोध्या, ये मथुरा, गोरखपुर, इसमें प्रयागराज यूनिवर्सिटी बना रहे थे, कहां बनी? आप लीगल बात करिए, एक यूनिवर्सिटी में लीगल आपका घोषणा पत्र है, ये देखिए बात पे आप उनका घोषणा पत्र का लाए हैं भाई, आपका घोषणा पत्र बताइए। आपका घोषणा पत्र में 53वीं क्रम संख्या पर लिखा है कि मंडल के अंदर हर मंडल के अंदर यूनिवर्सिटी बनेगी। आपने मंडल में लिखा अलीगढ़,
महाराणा प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, सहारनपुर कुसुम देवी यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, अब आप बताइए गोरखनाथ यूनिवर्सिटी, प्रयागराज में यूनिवर्सिटी, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी बना दी शिक्षा के दर के लिए बढ़ाने के लिए, बता दिया आप रही 53वां ठीक है, जवाब ले ले, जवाब ले ले, जवाब ले ले रजी भाई, ठीक है के साथ बात ठीक है, प्लीज रजी भाई जवाब जवाब ले ले, जवाब राजा महेंद्र सिंह जी के नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कि नहीं हुई, लखनऊ में अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कि नहीं हुई, अब विश्वविद्यालय क्या एक दिन में खड़े हो जाते रजी भाई, आप बच्चों जैसी बात कर रहे हैं, कर रहे हैं एक चैनल बैठ कर विश्वविद्यालय का 2014 से लेकर 2022 होता है, स्टाफ आता है उसके लिए पहले किराए की बिल्डिंग अरेंज की जाती है, फिर उसके लिए जमीन अधिग्रहित होती है, फिर बिल्डिंग बनने का काम होता है, ये अखिलेश यादव की तरह हवा हवाई काम यहाँ नहीं होता, सुन लीजिए जवाब ले लीजिए मुझे, आपकी बात का जवाब मिल गया, अब आपको उजला मुझे दे रहा हूँ, दयाराम भार्गव जी बार बार, दयाराम जी सुनिएगा, प्रदेश में अराजकता की बात कर रहे थे, अपराध की बात कर रहे थे, अब जो अपराधी को खुदे पार्टी टिकट दिया होगा वो इस तरह की बात करेगा कि हास्यास्पद नितिन जी तो और क्या है, मुख्तार अंसारी के परिवार को गोद में लेके खेलने वाले उनसे गठबंधन बनाने वाले हमको अपराध में नकेल लग रहे हैं, हमारे साथी है वो मुख्तार के भी साथी है, इनका कौमी एकता दल से भी गठबंधन रहा है, और आज भी अगर इन्होंने मुख्तार के परिवार को टिकट दिया तो इन्होंने ही दिया, अपराधियों को गोद में खिलाने वाले हमको अपराध पे नकेल कसरे की सलाह दे रहे हैं, ये हास्यास्पद नहीं तो और क्या है, एक एक करके सब जवाब ले ले, आप अपराध की बात ना करें, हमारे शासन में एक भी अपराधी अगर अपराध करने के बाद खुले आप अपराध की बात कर रहे हैं, दिन दहाड़े लड़की जलाए दे रहे हैं आप अपराध की बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट करके पूरा परिवार को मारे दे रहे हैं आप अपराध की बात कर रहे हैं, आपका अपराध पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है भाई साहब, जो अपराध करेगा रजी जी वो जेल जाएगा, अच्छा? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जाएंगे फिर बता दीजिए, अजय मिश्रा जेल में ही है, अजय मिश्रा जेल, आशीष मिश्रा जेल में, अजय मिश्रा जी जेल में, तो अजय मिश्रा किस अपराध, अजय मिश्रा जी के षड्यंत्र पर अपराध हुआ, आप किस अपराध उनको खींच रहे हैं, आप क्यों अपराध में, आशीष मिश्रा अपराध में शामिल जेल में, आशीष बताइए केंद्रीय राज्य मंत्री आपके जी, उनके आदेशानुसार उनके ही संरक्षक में गाड़ी चढ़ा दी जाती किसानों की, और फिर आप कहते हैं किसानों का आय माफ कर दिया, अरे कहां माफ भी मिलने गए तो जेल में का मुलायम को जेल भेज दिया जाए, आप बताइए संरक्षक नहीं थे वो, क्या थे, नहीं नहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी, क्या है मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के हैं, गायत्री प्रजापति के नहीं है, आपका तो मौजूदा मंत्री है, नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में है, चार्ज होने के बाद आप अपराध की बात करो, विधायक का चुनाव 15 दिनों में आपने भुगतान माफ करने के लिए कहा था, 2 महीने से ऊपर हो गया, कितना माफ किया आप बता दीजिए, आपके पास आंकड़ा हो क्या? आप बता दीजिए, अगर आपके पास कोई आंकड़े उत्तर प्रदेश की सरकार के पास हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने किसानों को आपने लाभ दिया उसका आंकड़ा आप बता दीजिए, किस कौन सा लाभ पूछ रहे हैं आप बताइए, सिंचाई मुफ्त का आपने कितनों को बिजली दे दी, इसी, आपने बताइए गन्ना किसानों का भुगतान कितना माफ कर दिया, इसी, आपके तत्व सामने मेरे मोबाइल पे मैं देखकर बोल रहा हूँ, आप बजट पे चर्चा कर रहे हैं, बजट पे चर्चा, ठीक है रजी भाई प्लीज, रजी भाई हो गया रजी भाई, किसानों का जवाब दे दो, उसका प्रावधान किया गया, रजी भाई प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है उसी पे चर्चा करो, ठीक है रजी भाई प्लीज प्लीज, उसी बजट में किसानों को मुफ्त सिंचाई के प्रावधान के लिए बजट का प्राविधान है, उसी पे आप चर्चा कर रहे हैं, उसी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, 2017 में 25 दिन, 2022 से 14 दिन के में कितने किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, उसी पे आप चर्चा कर रहे हैं, उसी पे आप हंसी उड़ा रहे हैं, ये कौन सी चर्चा आप कर रहे हैं, आप ये बताइए आप, अच्छा सीधी आपने बताया यूनिवर्सिटी मैंने यहाँ बना दी, सहारनपुर में बना दी आपने, लखनऊ यूनिवर्सिटी को अटल यूनिवर्सिटी बता दिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी अलग है, अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय अलग है, जाके देख लीजिए, चलिए ठीक है मान लिया, मान लिया क्या जो है वो है, मान क्या आप बैठे यहीं से 5 मिनट दूरी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी कहाँ बनी, बैठे यहीं से आजमगढ़ यूनिवर्सिटी कहाँ बनी, प्रयागराज यूनिवर्सिटी कहाँ बनी, आपने तो लिखा है पूरा साफ भाई, 2022 का घोषणा पत्र मैं देख रहा हूँ, अच्छा इनके घोषणा पत्र में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आप, क्यों नहीं होंगे घोषणा पत्र में जनता को लुभा कर वोट ले सकते हैं, घोषणा पत्र पूरा क्यों नहीं कर, ये अभी चुनाव के समय क्यों नहीं आप लोगों ने बताया, मगर उत्तर प्रदेश की जनता को जाति, ठीक है उसको
उसको ठीक हो गया, हो गया, हो गया। संतोष यादव जी कुछ बोल रहे थे, प्लीज हो गया रजी भाई, ठीक है, थैंक यू। जनता के बीच में हम जाएंगे, थैंक यू, आंदोलन करेंगे, गठबंधन का साथ लेंगे, ठीक है प्लीज, आने वाले समय पर 2022 में भी आपको दिखा देंगे, 2024 में दिखा देंगे, ठीक है, 2024 में रजी भाई, रजी भाई प्लीज, रजी भाई ना बचना वाला तो बात की बात देखी जाएगी, मतलब अभी जो मुकाबला है, अभी जो सामना जनता का कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी, बात आ गई, बात आ गई। संतोष यादव जी कुछ कह रहे थे, संतोष जी क्या कहना चाह रहे थे? मैं विवेक भाई से कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे मित्र है, बहुत लर्नेड प्रवक्ता है, मैं इनका ध्यान ये दिलाना चाहता हूँ कि नंबर एक तो ये कि इनकी पार्टी आंकड़ों में बहुत माहिर है, आंकड़ा दर्शाती है, बाकी करती कुछ नहीं जी। अभी ये कह रहे थे कि दो सिलेंडर हम दे रहे हैं, उससे हमको बहुत परेशानी है, जनता को बहुत परेशानी है, विपक्षियों को बहुत परेशानी। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ये बताने का काम किया कि 85,000 करोड़ व्यक्तियों को हमने मुफ्त में अनाज देने का काम किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि बांदा डीएम ने एक लेटर जारी किया है, दूसरे जिलों में भी जारी हुए हैं, दूसरे जिलों में भी डग्गी पिट रही है कि वो सारे लोग अपना अपना राशन कार्ड सरेंडर करें, वरना आपसे 24 रुपया किलो गेहूं का और 32 रुपया किलो चावल के हिसाब से पैसे की वसूली की जाए। ठीक है, जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय, जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय विवेक जी ने ये बात बताने का काम नहीं किया कि आप हमको वोट देने के बाद जो है हम आपको 32 रुपया किलो के चावल से और 24 रुपया किलो गेहूं के हिसाब से हम आपसे वापसी ले लेंगे। तो मेरा कहना, मुझे दर्द ये है कि जिन किसानों से, जिन जिन गरीबों को आपने गेहूं और चावल वोट के नाम पे बांटा कि आप हमको वोट दीजिए हम आपको गेहूं और चावल देंगे, ठीक है, उनसे आप वसूली किस आधार पे कर रहे हैं? आप उनसे वसूली क्यों नोटिस दे रहे हैं? आपने किसान सम्मान निधि योजना दिया, किसान सम्मान निधि योजना घर घर नोटिस पहुंच रही कि आप उस किसान सम्मान निधि योजना को वापस करिए। मैं विवेक जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन गरीब आदमियों को आपने खाना खाने के लिए गेहूं और चावल दिया, जिनके सम्मान में आपने 4,000, 2,000, 6,000 रुपया दिया, उनसे जबरदस्ती आप नोटिस भेज करके वापसी क्यों लेना चाहते हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। हाँ, विवेक जी क्या कह रहे थे? बहुत अच्छा विषय उठाया हमारे संतोष जी ने, इस विषय पे जो भ्रांतियां इसके इनके चर्चा के दौरान दूर भी हो जाएंगी। देखिए, जो राशन कार्ड का विषय है, उत्तर प्रदेश में दो तरह के राशन कार्ड प्रचलन में है, संतोष जी इसको नोट करिए कि सबके लिए एक विषय होगा। मुझे जानकारी है, मुझे जानकारी, आप बताइए। दो तरह के राशन कार्ड हैं, एक तो गृहस्थी वाला राशन कार्ड है और एक लाल राशन कार्ड है। लाल वाला अंत्योदय का है, गृहस्थी वाला सफ़ेद राशन कार्ड सबके लिए बना है। और उसके राशन कार्ड के जो मार्गदर्शन सूची है उसके अनुसार वो राशन कार्ड जारी होते हैं। और ये मैं उसी को बता दे रहा हूँ पूरा आपको, ये कोई विषय जो है वो आज का नहीं है। ये इसके जो गाइडलाइन है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जारी किए गए थे, उसी में ये सारे मार्गदर्शक सूची है कि किस किस लोगों को राशन कार्ड बनाया जाएगा, किस कैटेगरी का बनाया जाएगा। और उसमें होता क्या है कि साल दो साल में राशन वितरण विभाग के जो लोग होते हैं उसकी सूची का सत्यापन करते हैं कि होता क्या है कि किसी की आर्थिक स्थिति कभी अच्छी होती है, साल दो साल में किसी की आर्थिक स्थिति खराब भी हो सकती है, कुछ लोग उस सूची से बाहर चले जाएंगे, कुछ लोग उस सूची के अंदर आ जाते हैं। इसकी एक प्रक्रिया है, किसी भी वितरण प्रणाली में लगे व्यक्ति से आप इस पर चर्चा कर सकते हो, आपको बता देगा कि हाँ साहब ये साल दो साल में सत्यापन का कार्यक्रम होता है। चूँकि कोरोना काल के वजह से 2 वर्ष इस कार्य को नहीं किया जा सका और अब जब सरकार बनी तो अब कोरोना काल जब बीता तो इस पे सत्यापन की एक प्रक्रिया जो थी वो प्रारंभ होने की बात आई। और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं, जो लोग राशन ले चुके हैं उनसे कहीं कोई रिकवरी नहीं हो रही है। जिसने भी इस तरह का भ्रांतियां फैलाई उससे केवल भ्रांतियां, इसका खंडन भी खाद्य रसद आयुक्त के द्वारा जारी किया जा चुका है और ऐसी कोई भ्रांति नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग की स्थिति इससे ऊपर हो गई है वो राशन कार्ड अपना सरेंडर कर दे या उनके सत्यापन के दौरान उनका खुद ही राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा। ठीक है, संतोष जी जवाब मिल गया। जो 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 कैटेगरी में है जी,
हाँ बताएं विवेक जी, विवेक जी मैं जानना चाहता हूँ। जी 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 विवेक जी मेरी बात सुनिए जरा। हाँ, जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय आप पूरे हिंदुस्तान में इस बात का ढिंढोरा पीट रहे थे कि मैं 85,000 करोड़ आदमियों का पेट भरने का काम कर रहा हूँ, जी उस समय ये गाइडलाइन आपने नहीं बताई। उस समय जिन लोगों ने अनाज लिया तो उनका क्या दोष है कि सरकार ये कह रही है कि कोरोना काल में हम सारे लोगों को पेट भरने का काम करेंगे। कौन कह रहा दोष है? किसान सम्मान निधि योजना जो आपने दिया, कौन कह रहा दोष है? उस योजना में भी आप वापसी की बात कर रहे हैं। रुक जाइए रुक जाइए। तो फिर इसका आपने फायदा लेने के समय, चुनाव के फायदा लेने के समय तो आपने उसका ढिंढोरा पीटा। दोनों दो चीजें। और जब आप चुनाव में जीत गए तो फिर आप ये कह रहे हैं कि हम तो वापसी लेंगे। नहीं नहीं, वापसी ऐसी कोई बात है संतोष जी, दो विषय आप मिला के बोल रहे हैं। एक किसान सम्मान निधि, वो अलग विषय है। किसान सम्मान नहीं, वो भी वापसी आप कह रहे हैं। नहीं, किसान सम्मान निधि कह रहे हैं। रुक जाइए। किसान सम्मान निधि में जो ऐसे लोग किसान सम्मान निधि का लाभ पा गए हैं, जो ऑलरेडी इनकम टैक्स पेयर हैं, उनको गए हैं फोन कि साहब आप अपनी किसान सम्मान निधि जो पाए हैं वो वापस कर दीजिए। जो इनकम टैक्स पेयर हैं, नोट करिएगा इस बात को, उनको गए हैं। किसान सम्मान निधि का विषय अलग है और गृहस्थी कार्ड वाला राशन का विषय अलग है। सत्यापन के दौरान जो लोग उस स्थिति से ऊपर पाए जाएंगे उनका केवल राशन कार्ड निरस्त होगा, उनसे कहीं कोई रिकवरी नहीं होने जा रही है। ये प्रक्रिया 2 साल में, साल भर में ये हर बार होती है, कोई नई प्रक्रिया नहीं है। कोरोना काल के वजह से 2 वर्ष ये प्रक्रिया नहीं हुई थी। किसी से पूछ लीजिएगा, राशन में कहीं कोई रिकवरी होने नहीं जा रही है। ये मिथ्या प्रवचन, इसका खंडन उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त द्वारा जारी किया जा चुका है। संतोष जी क्या करते हैं, कोई चर्चा का विषय नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बांदा जिला के जिला अधिकारी ने जो लेटर जारी किया है, तमाम गाँव में डुग्गी पिटवा दी गई है, तमाम लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है भाई, बस तो उसका आप एक लेटर से खंडन करके आपने आज तक टीवी में न्यूज दिया, प्रचार दिया, किसी अखबार में आपने छपवाया कि आपका राशन वापस नहीं होगा। तो इस तरीके से खाली टीवी चैनल पे आप बोल देंगे तो उसका प्रचार और प्रसार जनता में नहीं जा रहा है। जनता भाई में जिंदगी जी रही है कि जो मैंने राशन खाया है उसकी मैं वापसी कहां से करूंगा। संतोष जी, तमाम डिबेटें इस पे हो चुकी है, मैं उस पे जवाब दे चुका हूं कि कहीं कोई खाद्यान्न में रिकवरी या वापसी जैसी बात नहीं है। सत्यापन के दौरान जो लोग इसमें, दो तरह के होते हैं, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कैटेगरी, तो जो उसके अंदर आएंगे उनको अंदर समाहित कर लिया जाएगा, जो बाहर जा रहे होंगे उनको बाहर करके उनका राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी। आंकड़े आप आंकड़े जारी करते हैं और लोगों को राशन देते हैं, उसके बाद वापसी लेते हैं, यही आपका काम है। नहीं नहीं, ये काम करने के अलावा तो आप कुछ करेंगे नहीं। चुनाव खत्म हो गया है ना, चुनाव खत्म हो गया, राशन वापस खत्म वापस होगी, ठीक है, जो भी पैसा दिया गया किसान निधि में उसको वापसी ली जाएगी, ठीक है। ये कौन सी बात है भाई? किसान सम्मान निधि में जो इनकम टैक्स पेयर हैं उनको इस तरह के फोन किए गए हैं, ठीक है, ठीक है। अरे आपने दिया क्यों भाई उसको? अब रुक जाइए, उसी पे चर्चा कर। आपने क्यों दिया? वो किसान निधि सम्मान निधि है ना, सम्मान में आप उसका अपमान क्यों कर रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ, सुन तो लीजिए। जो अपमान कर रहे हैं आप, जो कर्मचारियों की गलती की वजह से जो लोग इस तरह का लाभ पा गए हैं, ये उसके लिए कर्मचारियों को दोषी, उसके लिए सरकार दोषी नहीं है, ठीक है, ठीक। कोई सरकार ने कोई इस तरह का फॉल्ट नहीं किया है। क्यों सरकार दोषी क्यों नहीं? राजीव भाई, राजीव भाई, राजीव भाई, राजीव भाई, राशन तो कहते हैं आपने नहीं दिया, आप कैसे कहे? मुफ्त राशन आपने दिया है, तभी तो कहे हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया कैसे आ गई? ठीक है, आप बताइए, आप समझ नहीं पाए इतनी देर से अभी तक बात हो रही थी। आप तो उसके बाद एक लेटर जारी कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। संतोष जी, खंडन हुआ है सरकार की तरफ से, चुनाव के समय खड़े खड़े मंचों से सरकार की तरफ से खंडन किया गया है। उत्तर प्रदेश की भारत की जनता को दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजीव भाई हो गया, मुझे समय दे दीजिए, मैं 2 मिनट पढ़ के सुना दूं पूरा लेटर। हो गया, हो गया, हो गया, तभी हम मानेंगे ना। विवेक भाई हो गया, फिर बाद में बात करते हैं। खूब पढ़िए आप, ठीक है, हम तो समय कम है, प्लीज समय। अगर लेटर पढ़े तो अपना घोषणा पत्र और बजट के बारे में भी जानकारी ले। हो गया राजीव भाई, हो गया। दयाराम जी, एक सवाल यहाँ पर उठा, विवेक भाई कह रहे थे आपकी बात को लेकर के, कोट किया उन्होंने आपको कि आप लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप लोग बेहतर पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, बाकी चीजें। उन्होंने ये कहा कि माफियाओं को टिकट तो आप ही लोगों ने दिया है। देखिए नितिन भाई, मेरी बात ध्यान सुने, कोई बोलेगा नहीं, मैं सबको सुन रहा हूं। कोई नहीं बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने कहा माफियाओं के साथ, माफियाओं की तो पूरी खान भरी पड़ी है।
273 विधायकों में से 118 विधायक जो क्रिमिनल एक्ट में है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए छुटा के देख ले, अगर हम गलत कह रहे तो बताएं हमको। दूसरी बात, दूसरों पर आक्षेप लगाने से पहले ये माफिया डॉन जो अभय सिंह है, ब्रजेश सिंह है, राजा भैया धनंजय सिंह है, धनंजय सिंह पे कार्रवाई किए कभी? राजा भैया को किए कभी? ये लोग क्या साधु महात्मा है क्या? एक भी भाजपा के बोलिए। दूसरी बात अंसारी के परिवार को आप सुनो भाई, यही तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बीमारी है क्या बीच में बोलने की? सुनो भाई, सुनिए, आप अपराधियों के संरक्षण में पल फूल रहे और कोई आरोप लगाएगा तो आप कहेंगे बीमारी है। अरे अपराधियों की गोद में खेलने फिलाने की बीमारी आपको है। सुनो अबे, सुनिए सुनिए, दूसरी बात, हमने आपसे प्रश्न किया था उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पहले मुख्तार अंसारी का बताइए ना, कूड़ेदान में पड़ा हुआ उसकी सामाजिक न्याय और सामाजिक ये बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती अपराधियों को संरक्षण देने वाले व्यक्ति से। अब देखिए, अब ये नितिन भाई देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कथनी और करनी है, ये जो कुछ बोल दे बस सुन लो। भाजपा की एक बहुत बड़ी कहावत है, खाता ना पही जो भाजपा वाले बोले वह सही, सही कहते मतलब कोई कोई साधु है, संविधान है, मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग साधु है तो अधिकारियों को हिसाब किताब करने की धमकी दे रहे थे खुले मंच से, आप ही के ना प्रत्याशी थे, पूरे देश ने देखा है परीक्षा देने के लिए तीन दो ढाई साल से परीक्षा की तैयारी किया और परीक्षा में बैठने जा रहा पेपर लीक हो गया, उस बच्चे की क्या गलती है? उससे फार्म का पैसा लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि नहीं लिया? रेलवे का टिकट उसने लिया कि नहीं लिया? बस का टिकट लिया कि नहीं लिया? रिक्शे कार्रवाई की, पेपर लीक पे कार्रवाई की, परीक्षा की सुचता बहाल की, समाजवादियों की तरह उसको परीक्षा की व्यवस्था को बेच नहीं खाया। समाजवादियों ने 50 लाख महिलाओं को पेंशन दी, 27 लाख लोगों को लैपटॉप दिया, आपने तो खाली झूठे वादे किए कि स्कूटी देंगे, लोगों ने बीजेपी की सरकार बना दी, उसके बाद आपने कहा लैपटॉप देंगे, क्या दिया आपने? तो जनता को ठगने का काम, ठीक है आप बताइए, खुद पकड़ के लखनऊ में खड़े थे, आप क्या दे सकते जनता? ठीक है, दयाराम जी बात पूरी की, लूट रजी, ठीक है हो गया, हमारी में बोलिए, अरे आप ही के साथ ही बोलने दीजिए यार, सदन में नहीं बोलने दे रहे हो आप, यहाँ तो बोलने जी, मुझे दूसरे चैनल पे जाना, अगर सुनते तो ठीक है, बोलिए जल्दी। दूसरी बात देखिए, इस देश में 1931 में देश आजादी से पहले जातियों का जनगणना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी जब प्रदेश और देश में विपक्ष में थी तो जातियों का जनगणना जो है ना सर पे टोकरी लेकर के दौड़ा करती थी, गली मोहल्ले चौक चौबारों बाजारों में गाया करती थी, हमारी सरकार बना दो हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे। क्यों भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार राज्य करके क्यों भागती है? जातियों की जनगणना क्यों नहीं करवाती है? हमारे देश में जानवरों की जनगणना हो सकती है, पेड़ पौधों की जनगणना हो सकती है, कीड़े मकोड़े की जनगणना हो सकती है, तो आप बताइए जातियों का जनगणना क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी इससे भागती है। दूसरी बात, आज महंगाई जनता पार्टी करती है, आज रोटी रोजगार शिक्षा की बात से क्यों भागती है भारतीय जनता पार्टी? इन मुद्दों को छिपाने के लिए नया आडम्बर जो है विधानसभा में लाया जाता है। आप बताइए केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जात से आते हैं, पिछड़ी जात के 27 रिजर्वेशन को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लूट लिया, वारे केशव मौर्य जी पिछड़ी जात के नुमाइंदे, पिछड़ी जात के नाम पे ब्लैंक दाग है, वो पिछड़ों का आरक्षण लूटा जाता है तो केशव प्रसाद मौर्य से बोला नहीं जाता, क्यों नहीं आवाज निकलती केशव प्रसाद मौर्य? ठीक ठीक ठीक, जवाब ले ले भार्गव जी, जवाब ले ले, हाँ विवेक जी जल्दी से जवाब दीजिए फिर आगे चलता हूँ प्रदीप जी के पास। देखिए ये विषय पे बात नहीं करेंगे, पहले इन्होंने चर्चा की अपराध की, अपराधी को गोद में खिला रहे हैं और हमें कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, ये हास्यास्पद बातें हैं। अब ये जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ये समाज को तोड़ के रखना चाहते हैं, इस तरह की चर्चा करने से इनको कहिए जात के नाम पे थाना दान के नाम पे चौकी, जात के नाम पे डीएम एसडीएम, जात के नाम पे मंत्री, जात के नाम पे विधायक, जात के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जातियों के नाम पे थाना चौकी, अगर आप तो पहले जातियों को जो तहसीलों में ठप्पा लगता है कराना बंद करिए। आप जातियों के नाम पे जो जात के नाम पे सबसे पहले अगर स्कूल में कोई जाता कौन सी जात का है, नौकरी में
भारत सरकार के विषय उसकी चर्चा करने क्या क्या उचित है? बजट में चर्चा ही नहीं तो चर्चा क्या करें? जनता के लिए विवेक भाई बजट में तो कुछ ही नहीं। ठीक है प्लीज हो गया आप लोगों प्रदीप जी क्या कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा था कि अभी जिस तरीके से ये घोषणा पत्र के बाद आप ये देखेंगे जो बजट लेकर के आए हैं, चुनाव के पहले किस तरीके से बेरोजगार जो था, जो योग्य उम्मीदवार था, अगर वो आता था अपने रोजगार को मांगने के लिए, तो यही योगी सरकार उन बच्चों को डंडों से पिटवाती थी। अब बजट में लेकर के आए कह रहे कि हमें हर एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। भाई वही अब आपको कैसे वो योगी उम्मीदवार मिलेंगे, जो योगी आदित्यनाथ कहते थे कि उत्तर प्रदेश में योग्य उम्मीदवारों की बहुत ज्यादा कमी है, अब वो कहने लगे हैं कि बजट के माध्यम से कि हम हर एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दे देंगे, नौकरी दे देंगे। तो ये सारे जो जैसे ये झूठे जुमले करते थे, वैसे ही बजट में भी इन्होंने सिर्फ एक झूठों का पुलिंदा बना करके दे दिया है। दूसरी बात, अभी जैसे कि सपा और भाजपा दोनों लोग अभी बात कर रहे थे कि हाँ ये इतने बड़े माफियाओं का संरचना है। भाई दोनों लोग पार्टी, चाहे सपा रही हो चाहे भाजपा, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए तो कुछ भी नहीं किया। जब सरकार रही माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी रही हो तो वो कुलदीप सेंगर को संरक्षण देने का काम करती है, सपा की सरकार आती है गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे लोगों को संरक्षण देती है। अब सपा के साथ में आकर के सुभाषपा ने क्या किया है? अंसारी लोगों को संरक्षण देने का काम करने लगती है। तो आप ये समझिए, चाहे वो भाजपा हो सपा हो, और सपा की सहयोगी आजकल सुभाषपा हो गई है, सारे के सारे लोग मिल करके इस समय भाजपा उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की जगह अपराध युक्त बनाना चाहते हैं। आप इतना क्यों नाराज हैं सपा से भाई? भाई नाराजगी की बात तो होगी ही, क्यों नाराजगी की बात क्यों नहीं होगी? भार्गव जी कह रहे कपिल सिब्बल को राज्यसभा भी भेज रहे तब भी नाराज है। भारतीय जनता पार्टी अगर देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आज आपने क्या क्या आपने विपक्ष के घोटाले किए, उस फाइल को दबाने के लिए 5 साल कुछ भी नहीं हुआ, और ये बजट आ गया है। पुरानी योजनाएं कोई कुछ भी नहीं हुई है, पुरानी योजनाओं में जनता का पैसा था, पूरा का पूरा पैसा आपने बर्बाद कर दिया। नई योजनाएं फिर लेकर के आ गए हैं, धरातल पे कुछ नहीं उतरेगा। अगर धरातल पे आप देखने का काम करेंगे तो धरातल पे एक आंख प्रदीप भाई प्रदीप भाई ये रजी हसन आपको पुराने रिश्ते याद दिला रहे कि हमारा गठबंधन आपके साथ था, आप ऐसी बात मत करिए। आपको तो गठबंधन में हम लोगों ने साथ दिया, आप लोगों को सम्मान दिया, वरना जिस स्थिति में कांग्रेस है उससे ज्यादा कहीं गठबंधन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अगर आज जनता भूल रही है उसका सारा श्रेय कांग्रेस को जाता है, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को जाता है। आप क्या बात करेंगे गठबंधन में? आप रह करके हमारे साथ रह करके हम लोगों ने आपके पतन करके आपको आगे बढ़ाने का काम किया था, आज हमारे ऊपर प्रश्न लगाएंगे आप? आपके पास है क्या उत्तर प्रदेश? ठीक है, हम लोगों के साथ क्यों मुलायम सिंह यादव जी जाकर के आरएसएस की शरण में चले जाते हैं? भाई क्यों आरएसएस फाइल को दबवा दीजिए, क्यों जाते हैं? आप बताइए ना, क्यों जाकर के यादव जी ने हर बार की फाइल कब जाती है? पिछले 5 वर्ष बीत गए, समय आपकी मदद की फाइल की सत्ता से बाहर रखने का काम आपको विपक्ष कर रहा था। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने हाथ दिया तो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और भी आपके
आपके जितने भी पार्टी के लोग बने, आप क्या जानते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बारे में? आपको कुछ नहीं पता। आज उत्तर प्रदेश में आपका भविष्य इसीलिए खत्म हो गया कि आप विश्वास नहीं कर सकते किसी के ऊपर। आप कहीं नहीं दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितने विधायक है बताइए? आपके पास उत्तर प्रदेश में कितने विधायक है आपके पास? हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले आप अपने गृहबान में झांकिए। आप उत्तर प्रदेश में कहां है आपकी जमीन? आप समाजवादी पार्टी के कंधे पर रख के जवाब ले, जवाब तो ले ले, जवाब तो ले। प्रदीप भाई ठीक है, प्रदीप भाई जवाब, प्रदीप भाई जवाब, प्रदीप भाई जवाब, प्लीज रजी भाई, रजी भाई प्लीज, प्रदीप भाई जवाब दीजिए। आपको तकलीफ इससे हो रही है कि आपके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना उठाए। भाई क्यों क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा? आपके सहयोगी पार्टी जो की है, आप जिनसे सवाल तो पूछ सकते हैं, भले कुछ ना हो, जिनसे गठबंधन करते हैं, वो माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती, माफियाओं को टिकट देने का काम करती है, तो उसपे कांग्रेस पार्टी इतराज क्यों ना करे? अगर आप इस तरीके का काम करेंगे, आप अपने घोटालों की फाइल को दबवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में पीछे के दरवाजे से सेटिंग करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उस पर विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी सवाल जरूर उठाएगी। कांग्रेस पार्टी सवाल क्यों ना उठाए? इसीलिए आप बिहार से भी आपके नाते टूट रहे हैं। इसीलिए आप करें रास लीला, हम करें करेक्टर डीला। हमने तो जनता के लिए काम किया और आपको गठबंधन में शामिल करके आपको सम्मान देने का काम किया। आप बताइए कहां उत्तर प्रदेश है? आज कहां है बिहार में? लगभग 1.5 लाख की कमी सड़कों पे है। आप बताइए कहां है? आपने सही योजना बना के ठीक है, समय कम है प्लीज, समय कम है, समय कम है भाई, ठीक है, हो गया आप लोगों का भाई, प्रदीप भाई प्लीज, थैंक यू। कॉलेजों में पढ़ा रहे होते उनको भी उचित वेतन मिल रहा होता, ये आपकी देन है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपना छठा बजट पेश किया गया है और इस बजट को संतुलित बजट बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस बजट में बहुत कुछ है अगर देखा जाए तो। फिलहाल विपक्ष के लिए एक अहम चीज ये है कि लगातार ये सवाल आ रहे हैं कि विपक्ष एकजुट उत्तर प्रदेश में नहीं है, और लगातार जब हम टीवी डिबेट्स में देखते भी हैं या फिर आज भी इस डिबेट के जरिए हमने देखा कि जो विपक्षी दल है वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफी नाराज हैं। वो नाराजगी उस वक्त नहीं थी जब उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आए थे, ये कहा गया था कि विपक्ष एक साथ होकर के सरकार से लड़ेगा, लेकिन ये विपक्ष एक साथ अब नहीं है। देखना ये होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है। फिलहाल आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।